हेलो दोस्तों, तो आज आप फिर से एक नए प्रोग्राम के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज करने वाले हैं हम जीसीडी का प्रोग्राम यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन वो होता है जो कोई भी फंक्शन होता है वो खुद को कॉल करता है, उसको हम रिकर्जन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जीसीडी का ही दूसरा नाम HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये फाइंड कैसे होता है ये तो पहले जानेंगे, मैथ में कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, मैथ में बोले तो गणित में इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो बताते हैं कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले रहे हैं 12 और 5, दो नंबर लिए, ये दोनों का हम पूछ रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब हुआ इसका फैक्टर लिखिए पहले, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6, 12, यही होगा फैक्टर। और 5 का यहाँ पे मान लीजिए 10 ले लेते हैं, हल्का ज़्यादा आसानी होगा, 10 लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 10 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 5, 10। यहाँ पे फैक्टर कौन कौन है पहले वो देखिए, फैक्टर तो 1 है, 2 है, और कोई फैक्टर तो नहीं है, तो इसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा हुआ, फैक्टर में हाईएस्ट फैक्टर मेरा ये है, तो मेरा इसका HCF क्या हो जाएगा, 2। ये दोनों का नंबर HCF क्या हो जाएगा, 2। ये तो हुआ मतलब फैक्टर निकाल के। अब चलते हैं हाईएस्ट कॉमन डिवीजर पे, ठीक है, मेथड 2। ये मेथड 1 हुआ मेरा मैथ में HCF फाइंड करने का। अब मेथड 2 पे चलिए, तो क्या होगा, पहले 10 लिख देते हैं, उसके बाद 12 लिखते हैं, उसके बाद 1 से लगेगा 10, इसको 2 बाहर नीचे लाएंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, फिर से यहाँ पे 5, 10, तो 0। ये तो छोटा एग्जांपल था, एक एग्जांपल और लेते हैं इसी टाइप का। मान लीजिए 12 और 5 ये नंबर लिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे, 5, 12, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10, फिर 2, 5, तो ये हो जाएगा 2, 4, ये हो जाएगा 1, 2, 2, 2, 0, ठीक है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा मेरा, 1, HCF बराबर 1। हाईएस्ट कॉमन डिवीजर कहने का मतलब जिससे हाईएस्ट हमको किससे लग रहा है, 1 से, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है, जिससे हमको पूरा ये लास्ट वाला HCF पता नहीं, जिससे हमको पूरा पूरा डिवीजर वाला लग जाए, भाग लग जाए, उसको हम HCF बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, देखिएगा, जैसे हमारा पहला नंबर ये है, बाद में ये कैसे कौन जिसमें हम भाग लगा रहे हैं वो बन जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये नंबर था वो यहाँ पे आ गया जिसमें हम भाग लगाने वाले हैं, ठीक है। और ये क्या आ रहा है, ये नंबर जो है ये हम नंबर इसको और इसको, मतलब इसको और इसको भाग करके जो हम कर रहे हैं, ये रिमाइंडर आ रहा है एक तरह से। तो हमारा प्रोग्रामिंग में रिमाइंडर किससे फाइंड होता है, मॉड्यूलो से। मॉड्यूलो हमारा क्या रिटर्न करता है, मॉड्यूलो। तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, इसको और इसको मॉड्यूलो लेंगे और ई नंबर को हम एच डी उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं प्रोग्राम पे, ये था हुआ मैथ का पार्ट, मैथ में हम कैसे करेंगे वो, तब आते हैं प्रोग्राम पे कैसे करेंगे, प्रोग्राम पे ही बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे, इसको भी नहीं मिटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो लिखे हैं वहाँ पे ड्राई रन करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, रिकर्जन से करने वाले हैं। तो पहले हम #include_stdio.h, ये जो हमारा सी में हेडर फाइल लगता है वो इंक्लूड कर लिए हैं। उसके बाद इंट फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। फंक्शन का नाम क्या है, HCF। इसमें क्या पास कर रहे हैं, N1 और N2, दो गो नंबर लेंगे क्योंकि हमारा 2 नंबर का प्रोग्राम है, इसलिए 2 नंबर लेंगे, उसको फंक्शन में पास भी करेंगे, इसलिए 2 गो नंबर का इंटीजर इसमें डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। उसके बाद इंट मेन फंक्शन में आए, मेन फंक्शन में फिर से डिक्लेयर किए हैं N1, N2 और इंटर 2 नंबर मैसेज प्रिंट किए, मतलब 2 गो नंबर हमको इंटर करिए और उसको N1 और N2 में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए N1 बराबर हो गया मेरा, वही नंबर ले लेते हैं 12, और N2 बराबर हो गया 5, ठीक है, इस लाइन तक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रिंट है GCD ऑफ परसेंटी एंड परसेंटेज परसेंटी, पहला परसेंटी के जगह पर N1 आएगा, दूसरा परसेंटी के जगह पर ये आएगा, तीसरा का परसेंटी के जगह पर ये। यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन का कॉल हुआ है, यहाँ पे कॉल हुआ है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे कॉल HCF N1 N2 को पास करके इसको कॉल किया गया है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न 0, यहाँ पे कॉल होगा तो सारा कंट्रोल कहाँ आएगा, ये फंक्शन पे। इस फंक्शन पे कंट्रोल आया तो क्या हुआ, N1 N2, वहाँ से जो हम फंक्शन का वैल्यू दिए हैं वो ये यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, मान लेते हैं हमारा क्या है, यही है N है, या इसमें क्या चेक हो रहा है, N2। यहाँ पे देखिएगा हाईएस्ट हमारा जब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो जाए, जब तक 0 के बराबर नहीं हो रहा है, नीचा देखिएगा, नीचा हमारा लास्ट में क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है, कौन, N2। ये हमारा N2 जो है ये हमारा लास्ट में 0 के बराबर, कोई भी एग्जांपल ले दीजिएगा, ये देखिए 0 के बराबर हो रहा है, तब 0 पर ही कंडीशन लगाए, जब तक हमारा N2 नॉट इक्वल टू 0 है तब तक हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करते रहेंगे। कॉल कैसे करेंगे,
जो हम N2 यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है मान लेते हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, 12 5 है ना, हाँ 12 5 है, मान लीजिए यहाँ पे N2 की जगह पर क्या है 5, तो वो आप कौन सा क्या बन जाएगा, N1 बन जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा कॉमा, N1 मॉड्यूलो 2, N1 मॉड्यूलो N2, N1 क्या है मेरा 12, मॉड्यूलो ले करेंगे 5 से, तो इसका क्या रिमाइंडर आ गया, ये हमारा मॉड्यूलो क्या करता है रिमाइंडर दे रहा है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब क्या बन गया, अभी N1 की तरह बिहेव करेगा और ये N2 की तरह बिहेव करेगा, फिर से आएगा, फिर से देखेगा N2 हमारा क्या है 2, N2 हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे देखेगा यही कंडीशन बार बार कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा नॉट इक्वल टू 0 था, तो फिर से हम यही काम किए, कौन सा काम, डिवाइड करने वाला, जब तक 0 नहीं हो जाएगा फिर से हम डिवाइड करने वाला काम करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये हमारा 2 यहाँ पे दे देगा और ये दोनों को डिवाइड करके क्या हो जाएगा 1, यही होगा, फिर से देखेगा N2 जो हमारा हुआ 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से ये करेगा, फिर से यहाँ पे देखेगा N2 अभी भी 0 के बराबर नहीं था, तो फिर से ये किया, फिर से ये किया, तो ये क्या हुआ 1 यहाँ पर आएगा, अगर यहाँ 1/2 करेगा तो 2 मतलब पूरा कर जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर 0 आया। अब चेक करेगा क्या हमारा N2 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये कंडीशन होगा, तो इल्स क्या रिटर्न करेगा N1 मेरा क्या है 1, तो 1 रिटर्न करेगा, तो वहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा, मतलब हमारा 12 और 5 का HCF मेरा क्या है 1 है, ठीक है, समझ में आया, पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, तब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, पल्ले पर आकर ही छोड़ेंगे, पड़ेगा ना कैसे, पल्ले पढ़ना ही है, इसको हम मिटा देते हैं, सॉरी इसको नहीं मिटाना था, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिट गया, यहाँ 10 था, ठीक है। अब ये एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल में मान लेते हैं हमारा N1 क्या है, क्या है 10 और N2 मेरा क्या है 12, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10 और 12 को यहाँ पे पास किए, 10 को और 12 को पास किए, 10 और 12 को पास किए, तो N1 मेरा क्या है 10, N2 क्या है 12, यहाँ पे कंडीशन जगह का क्या, N2 हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो हाँ नॉट इक्वल टू 0 है, 12 है, 0 के बराबर नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमारा HCF ऑफ N2, N2 मेरा क्या है 12 कॉमा N1 10 मॉड्यूलो 12 करिएगा तो क्या होगा, 12 में आप 10 से भाग दीजिएगा तो 0 10 से ना बच जाएगा, तो यहाँ पे 10 ये हमारा रिटर्न करेगा, तो अभी भी यहाँ पे देखिएगा अभी भी क्या है, ये यहाँ तो उल्टा ले लिया गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी समझ लीजिए। अब क्या होगा, फिर से कॉल होगा यहाँ, क्योंकि हमारा N2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर से ये कॉल होगा, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेगा N2 जो हमारा N2 था, यहाँ पे जो N2 है यहाँ पे N1 बजा है, क्योंकि यहाँ पे N1 की जगह है, ठीक है, यहाँ से फिर से 10 होगा। अब ये दोनों का भाग करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 2 देगा, यहाँ पे देखिएगा 2 दे रहा है रिमाइंडर, फिर से ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों को डिवाइड करिएगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा HCF क्या आया 2, तो हमारा 2 रिटर्न करेगा, यहाँ पे हमारा 2 प्रिंट कर देगा इस केस में, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा रिकर्जन से, मेन कहानी ये है, ध्यान रखना है क्या हो रहा है, हम वहाँ पे N2 को यहाँ ला रहे हैं और ये यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों का रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन कर दिए क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों को यहाँ पे करेगा तो ये आएगा, फिर ये वाला उतर कर यहाँ पर आएगा, फिर से डिवाइड करेंगे, अगर फिर जहाँ तक जब तक ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा तब तक ये कहानी फंक्शन को कॉल करते रहेंगे, ठीक है। चलते हैं लैपटॉप पे, अब इसको दोहरा के देखेंगे तब ना, दोहरा के मतलब रन करा के देखेंगे तब ना क्लियर होगा, तो चलते हैं लैपटॉप पे अब। हाँ जी गाइस, तो आ गए हैं लैपटॉप पे, आपको दिख रहा है ना प्रोग्राम, नहीं दिख रहा है तो इसको जूम कर दें, हल्का सा कर देते हैं जूम, जूम हो गया है तो देखिएगा यही प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिए हैं, फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पे हमारा तीर देखिएगा कहाँ है एरो, यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किए हैं और यहाँ पे फंक्शन का बॉडी है, ठीक है, इसको रन करा के दिखाएं, चलिए रन कराते हैं, रन हो रहा है गाइस, रन हो रहा है, कंपाइल सक्सेसफुली कोनवा में आपको दिख रहा होगा, कोनवा में दिख रहा है तो हटाते हैं, यहाँ पे देखिएगा इंटर 2 नंबर करके आया है, तो इसको हल्का सा इधर खींच देते हैं ताकि दिख पाए, देखिएगा इंटर 2 नंबर, तो 10 पहले वही एग्जांपल लेते हैं जो बोर्ड पर दिए थे, 10 और 12, तो इसका मेरा आंसर कितना आना चाहिए 2, तो देखिए क्या आता है, GCD ऑफ 10 एंड 12 इज 2, मेरा सही से चल रहा है प्रोग्राम। एक बार और एक एग्जांपल क्या लिए थे, 12 और 5 का ना, तो 12 और 5 वाला करके देखते हैं अब, चलिए 12 और 5 वाला करते हैं, क्या था 12 और 5 किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ऑर्डर में देखिए सब सही है, ठीक है। 12 और 5 का क्या रहा है, यहाँ पे देखिएगा एरो की यहाँ पे ले जा रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटर 2 नंबर था, 12 और 5 दिए, GCD ऑफ 12 एंड 5 इज 1, समझ में आया,
तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, कोई और प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ठीक है।